तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल काइट लवर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में यार मैं कुछ पेज बताने जा रहा हूँ, और ये पेज बेसिकली उन लोग के लिए है जो बिगनर्स हैं। तो यार, अगर आपको अच्छी खासी काइट उड़ाना आती है और पेड़ उड़ाना आता है तो आप इस पेज को ट्राई मत करना। लेकिन जो लोग बिगनर्स हैं यार, जिन्हें बिल्कुल भी पतंगबाजी करना नहीं आती है और सिर्फ वो फेस्टिवल के टाइम में पतंग उड़ाते हैं, तो उनके लिए ये पेज है। वैसे कोई ये पेज है तो नहीं, लेकिन यार तब भी अब जिन लोग को कुछ नहीं आता है, मतलब बिल्कुल भी पतंग काटना नहीं आती है, तो उनके लिए यही पेज बहुत बढ़िया है। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और मैं आपको बताता हूँ कि आप दूसरों की पतंग कैसे काट सकते हैं। तो इसके लिए देखिए, मैंने दो डमी पतंगें ले ली हैं और अब मैं आपको बताऊँगा कि आपको क्या करना है। अब जैसे काली वाली पतंग है, ये आपके अपोनेंट की पतंग है, और जो ये वाली पतंग है नीली वाली, ये आपकी पतंग है। अब लोग क्या करते हैं जिन्हें पतंगबाजी करना नहीं आती है, जैसे कोई अपोनेंट का नीचे से आया काला वाला, वो ये लोग गए ऊपर से और ये बहुत ही ऊपर से ढील छोड़ देते हैं ऐसे। अब इतने में क्या होता है, जो इनका अपोनेंट होता है वो खींच मार देता है और इन लोग की पतंग कट जाती है। तो यार इन लोग को क्या करना चाहिए, अब यार पेस तो यही बताऊंगा मैं, लेकिन थोड़ा सा कुछ चेंज करना है इसमें आपको क्या करना है। और बेसिकली मैं एक बार और बता दूँ कि पेज जो आपका अपोनेंट है उसे भी ज़्यादा पतंगबाजी करना नहीं आती है, वो भी सिर्फ फेस्टिवल के टाइम में उड़ाता है, सही है। तो अब आप क्या करना है, आपका अपोनेंट जैसे नीचे से आया और आप ऊपर से गए, आपको आप अपने अपोनेंट की डोर के पास अपनी पतंग को ले जाना है, उसके पास ढील छोड़ना है। उसके बाद अगर आप ढील छोड़ेंगे तो आपके पास कम से कम 100 में से 40% चांस होगा कि आप उसकी पतंग काट सकते हैं, सही। और पहले बता दूं भाई, ये पेज उसी केस में लड़ेगा जब आपके अपोनेंट को भी ज़्यादा अच्छी पतंगबाजी करना नहीं आती है। लेकिन भाई, अगर आपकी पतंग फिर भी कट गई तो मुझसे मत कहना कि मैंने गलत पेज बताया, क्योंकि यार ये कोई पेज तो नहीं है। लेकिन अब आप लोग को मैं एक दिन में तो पेज नहीं सिखा सकता, तो इसलिए यार ये आपके लिए बहुत कुछ है, तो इसमें थोड़ा गौर करना। ये पेज तभी है जब आपके अपोनेंट को ही पतंगबाजी करना नहीं आती है, सही है। तो आपका अपोनेंट नीचे से आएगा, आप डोर के पास डोर मिला के तब ढील छोड़ना, तो ऐसे में से आप 100 में से यार कम से कम 40% चांस है कि आप उसकी पतंग काट दोगे, वरना तो आपकी पतंग कटी जानी है हमेशा। इसलिए यार पेज ऐसे लड़ाना। अच्छा, अगर आपके साथ कोई ऐसा करता है तो आप लोग क्या करेंगे। अब आपकी, मान लिया आपकी काली वाली पतंग है, आपके अपोनेंट की नीली वाली पतंग है, वो आता है और ढील छोड़ता है पूरी ऐसे। इस केस में आपको क्या करना है, अब इसमें क्या करना है, आप नीचे से गए, आपका अपोनेंट आया, उनने पूरी ढील छोड़ दी, आपको करना है अपनी पतंग का मुंह नीचे बनाना और नीचे खींचना है। जब आप नीचे खींच रहे होंगे अपनी पतंग को, तो आपके अपोनेंट की पतंग की डोर हवा में होगी, उतने में ही आपको अपनी पतंग को बाहर को खींच देना है। इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से अपने अपोनेंट की पतंग काट देंगे। तो ये हो गया। अब कई बार क्या होता है, आपको नीचे खींचने का मौका ही नहीं मिला और पेज पड़ गया है। अब जैसे आप गए, आपके अपोनेंट ने ऐसी पूरी ढील छोड़ दी, अब आप क्या करेंगे, आप अपनी पतंग को टाइट रख के ऐसे घुमाते रहेंगे पतंग को, और डोर छोड़ते रहेंगे हल्के हल्के, ऐसे करने से भी आपके अपोनेंट की पतंग कट जाएगी। तो दोस्तों, ये 2-3 पेज थे, मैंने सोचा जिन लोग को बिगनर हैं उन्हें बता दूँ, जिन्हें बिल्कुल ही पतंगबाजी करना नहीं आती है। और ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना, और जल्दी मिलता हूँ फिर शाम तक नई वीडियो में। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर दबा दें, ताकि जब मैं शाम को नई वीडियो डालूँ तो आपको उसके अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं फिर मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।